सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम जानेंगे पोस्टर या बैनर आप कैसे बना सकते हैं इसके अंदर। वैसे तो पोस्टर और बैनर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं लोग, उसका नाम है कोरल ड्रॉ। लेकिन अगर आप चाहें तो एमएस वर्ड में भी पोस्टर या बैनर बना सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं और फॉर्मेट दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको ये ट्रिक्स आज सिखाऊंगा कि एमएस वर्ड में आप चाहें तो पोस्टर या बैनर कैसे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखिए एक पोस्टर या बैनर बना हुआ। देखिए एक जो बैनर है वो यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद इस तरह से, और ये बैनर पूरा बना हुआ है। उसके बाद एक बैनर नीचे मैंने बना रखा है, ये देखिए यहाँ पे, ये भी सब्जेक्ट गो का बैनर है। और ये जो बैनर है ऊपर वाला, ये बैनर मैंने साइट पर भी लगा रखा है। यहाँ पे गूगल में जाएंगे और जब आप इस साइट पे जाएंगे mysubjectgo.com पे, तो इसमें देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको ये बैनर दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये बैनर लगा हुआ है। तो जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो जो है मेरे YouTube चैनल पे पहुँच जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बैनर मैंने बना के लगा रखा है। तो इसी तरह से आप भी चाहे तो एम एस वर्ड में बैनर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एम एस वर्ड में। तो देखिए ये बैनर बना हुआ है और ये बहुत ही सिंपल बैनर है जो आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ये बैनर बना सकते हैं। तो इस बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो 2007 के अलावा 10 यूज़ करें, 13 यूज़ करें, तरीका सब में सेम होगा, इसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे शेप में जाइए, और शेप में जाने के बाद यहाँ पे आपको लेना है ये रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, इसे चुनिए। उसके बाद इसे चुनने के बाद इस तरह से यहाँ पे खींच लीजिए इसे, ठीक है। और देखिए ये जो बैनर मैंने बना रखा है, इसे चाहे तो आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से कहीं पे भी इसे मूव भी कर सकते हैं। जो नीचे वाला है वो भी इसी तरह से कहीं पे भी इसे आप चाहे तो मूव कर सकते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप जो है इसे JPG फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मैंने बना लिया, उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ऊपर खुलेगा फॉर्मेट मेन्यू, इसमें जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे शेप आउटलाइन में, और उसके बाद यहाँ पर वेट पर क्लिक करके इसका जो अंडरलाइन है वो थोड़ा सा मोटा कर देंगे इस तरह से। ये हो गया मोटा। उसके बाद आप इसमें काम करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 या कोई भी आपको घर बैठे ऑनलाइन सीखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सब्जेक्ट गो चैनल पर आसानी से हिंदी भाषा में सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर एमएस वर्ड के साथ आप एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ये सभी कोर्स जो है सीख सकते हैं हिंदी भाषा में। तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर का ये लिया है मैंने, उसके ऊपर लिखा है सब्जेक्ट गो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ये लेना है ये टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे इसको इस तरह से खींचना है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स का कलर चुनना है यहाँ पर। ये टेक्स्ट बॉक्स का कलर ग्रीन है, तो चलिए इस पर क्लिक ना करके मैं इस पर करता हूँ, क्योंकि ये ग्रीन कलर वो वाला नहीं है, थोड़ा सा अलग है। उसके बाद ये ग्रीन लेने के बाद मैं मोर फिल कलर में जाऊँगा, इसको थोड़ा और ग्रीन बनाऊँगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन सा कलर है ये। तो कलर इस तरह से थोड़ा मैच करना पड़ता है, और इस तरह से उसके बाद करते हैं ओके। तो देखिए कुछ हद तक जो है सेम कलर आ गया इस तरह से। तो यही रहने देते हैं, आप चाहे तो और भी ग्रीन इसको कर सकते हैं। उसके बाद अब ये ग्रीन कलर ले लिया, उसके बाद इसके चारों साइड में देखेंगे तो एक बॉर्डर आ रहा है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं शेप आउटलाइन में, और यहाँ पे क्लिक करके कर देते हैं नो बॉर्डर, इसमें हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। उसके बाद अब इसके ऊपर लिखना है सब्जेक्ट गो। तो अब सब्जेक्ट गो इसके अंदर क्लिक कीजिए माउस, और चाहे तो आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट गो, पर सब्जेक्ट गो मैं लिखूँगा किस में, यहाँ पर वर्ड आर्ट में। तो मैं बाहर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा इंसर्ट में, उसके बाद यहाँ पे चुनूंगा वर्ड आर्ट, उसके बाद यहाँ पे ये वाला शेप चुनूंगा मैं, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं सब्जेक्ट गो। ये मैंने लिखा सब्जेक्ट गो, उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद ओके करने के बाद ये फॉर्मेट मेन्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में जाना है, और आपको करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसे करने के बाद ये आपको दिख जाएगा, इसे उठा के ले आना है और इस पर सेट करना है आपको। इसे चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ फ़िलहाल। देखिए इस तरह से ये सेट कर लिया मैंने। अब सेट करने के बाद यहाँ जाना है फॉर्मेट में, और यहाँ पे शेप फिल में जाना है। शेप फिल में लेना है कलर वाइट, और उसके बाद शेप आउटलाइन में लेना है नो।
और उसके बाद यहाँ पे देखिए शैडो इफेक्ट है, तो ये शैडो इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे कर देना है नो शैडो इफेक्ट, ये वाला करना है फर्स्ट वाला। तो देखिए शैडो इफेक्ट जो था वो हट गया। अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ से चुन सकते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है। और अगर आप चाहे तो नीचे शैडो कलर पे क्लिक करके यहाँ पे जो कलर है शैडो का वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ स्टाइल, उसके बाद मैं इसमें जाऊँगा शैडो कलर में नीचे, और यहाँ पे कर दूँगा हल्का इसे ब्लैक। तो चलिए यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ इसे। देखिए मैंने इस तरह से ब्लैक कर दिया, तो हो गया शैडो ब्लैक। आप देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। आप चाहे तो थोड़ा सा और भी इसे छोटा कर सकते हैं इस तरह से। तो ये बन गया। अब हमें लिखना है फ्री कंप्यूटर कोर्स सीखे। तो फ्री कंप्यूटर कोर्स लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में और सेव में जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स चुनेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्री कंप्यूटर कोर्स। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिखूँगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग कैसे करते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं आप कि कंप्यूटर में आसानी से हिंदी में टाइपिंग कैसे करते हैं लोग। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्री, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर कोर्स। तो कंप्यूटर जो है वो मैं इंग्लिश में लिखूँगा, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखूँगा इसे, मैं इंग्लिश में ही लिखूँगा कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे कोर्स जो है उसे मैं हिंदी में लिखूँगा कोर्स, ये मैंने लिख दिया। इतना लिखने के बाद इसे सेलेक्ट करना है और जाना है होम में, उसके बाद यहाँ पे इसका साइज बढ़ाना है पहले, साइज बढ़ाने के बाद बोल्ड करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर चेंज करते हैं। ये कलर चेंज हो गया, और बोल्ड करना हो तो कर सकते हैं आप इस तरह से, तो मैं कम ही रहने देता हूँ। उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे शेप में नो आउटलाइन। अब यहाँ पे मैंने कर दिया। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा जच रहा है, पर ये अभी अच्छा नहीं लग रहा उतना, तो इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का साइज इधर बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे इसे कर देते हैं थोड़ा सा और बड़ा इस तरह से। अच्छा टेक्स्ट बॉक्स बाहर निकालने के बाद यहाँ पे ये लाइन ढक रहा है, यहाँ पे वाइट वाइट आ रहा है, तो यहाँ फॉर्मेट में जाके ये टेक्स्ट बॉक्स का फिल कलर जो है उसे कर देंगे नो फिल कलर। तो ये इस तरह से देखिए यहाँ पे बन के आ गया। और कीबोर्ड के एरो बटन से इसे ऊपर नीचे कहीं पे भी आप जो है कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे माउस क्लिक करके भी, और ये लाइन आ जाएगा सेलेक्ट होके, इस पर भी माउस क्लिक करके ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने बना दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखना है सीखे, तो सीखे जो है ये भी मैं हिंदी में लिखूँगा। तो टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा हिंदी में। उसके बाद इसे सेलेक्ट करके इसका साइज बढ़ा देते हैं यहाँ से और बोल्ड कर देते हैं। कलर हमें इसका लेना है रेड, तो रेड कर देते हैं, बस इतना लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है रेड कलर में और इसके साइड में जो है येलो कलर है, तो फिर उसके लिए आपको लेना पड़ेगा वर्ड आर्ट के अंदर। तो इसे डिलीट करके आपको फिर जाना पड़ेगा इंसर्ट में और यहाँ पे लेना पड़ेगा वर्ड आर्ट में। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फिर हिंदी में सीखे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में सीखे। लिखने के बाद इसे बोल्ड कर लीजिए और उसके बाद ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए यहाँ पे। अब ये यहाँ पे दिख गया। अब इसे उठा के लाइए यहाँ पे रखिए और इसे खींच लीजिए अपने पेज में, थोड़ा सा साइज बढ़ा लीजिए इसका। तो ये मैंने बढ़ा लिया। उसके बाद यहाँ पे जाना है आउटलाइन। आउटलाइन में यहाँ पे लेना है येल्लो और शेप फिल में लेना है आपको रेड। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से जाना है शेप आउटलाइन में और यहाँ पे थोड़ा सा जो लाइन है येलो उसे मोटा करना है यहाँ पे। तो इस तरह से हल्का मोटा कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आ गया। और इसमें देखेंगे आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कट लग रहा है, तो ये जो कट लगा है ये फ़ॉन्ट की वजह से, क्योंकि ये फ़ॉन्ट स्टाइल हमने जो है चुना नहीं है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल जो था वही हमने छोड़ दिया इसलिए। उसके बाद इसके पीछे यहाँ पे शैडो आ रहा है, इस शैडो को हटाते हैं। यहाँ पे शैडो इफेक्ट में जाके ये लेते हैं पहला वाला, तो नो शैडो आ गया, शैडो इफेक्ट हट गया। अब यहाँ पे ब्लैक कलर का पट्टी है और उसके अंदर लिखा है कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल ब्लॉगिंग बेसिक से एडवांस तक। तो ये लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे जाएंगे,
शेप में जाएंगे और ये लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल, और राउंडेड रेक्टेंगल लेके इस तरह से खींचेंगे और इसके अंदर लिखेंगे हम कंप्यूटर इंटरनेट। तो लिख देते हैं इसके अंदर हम कंप्यूटर, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है इंटरनेट। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉगिंग, ये ब्लॉगिंग हो गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद अच्छा ये यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये ब्लॉगिंग जो है ये नीचे आ गया, तो इसका फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो कम कर देते हैं, तो ये जो है शिफ्ट हो जाएगा ऊपर में जाके। ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे और इसे बोल्ड कर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद नीचे एंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बेसिक से एडवांस तक। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पे लेते हैं ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक यहाँ पे ले रखा है पीछे हमने, तो यहाँ पे लेते हैं ब्लैक। और ये देखिए वाइट हो गया। और बेसिक जो है बेसिक और एडवांस तक इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे साइज़ बढ़ा देते हैं इसे, ये बढ़ा दिया हमने। और बेसिक को हम कर देते हैं सेलेक्ट करके, यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट कलर में येलो कर देते हैं, और ये एडवांस जो है ये भी येलो कलर में है तो इसे भी येलो कलर दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बैनर आपका हो गया यहाँ पे तैयार, देख सकते हैं। बस यहाँ पे ग्रीन कलर जो है इसमें कम है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे जाके ग्रीन कलर जो है इसका भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके। और इस तरह से नीचे आते हैं इस तरह से, ओके कर देते हैं। तो इस तरह से ब्लैक कलर जो है इसमें दे देते हैं हल्का सा। तो देखिए इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि आप चाहे तो टेक्स्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और चाहे तो वर्ड आर्ट में भी लिख के लाके लगा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये बन गया। अब क्या करना है, अब हमें बनाना है ये वाला नीचे वाला। तो नीचे वाला बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसे, इसे बनाने के लिए जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पर लेंगे शेप में जाके रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पर ये लेना है रेक्टेंगल सिर्फ, और खींचना है इसे, ये हमने खींच लिया। उसके बाद अब इसके अंदर में करना है क्या, कलर। कलर यहाँ पे ऊपर देना है, ग्रीन कलर है इसमें भी, तो यहाँ पे जाके शेप में और यहाँ पे लेते हैं, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ग्रीन ना लेके मैं कोई और कलर में आपको दिखाता हूँ बना के। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से ये डार्क रेड, और उसके बाद यहाँ पर करते हैं नो आउटलाइन, क्योंकि आउटलाइन हमें नहीं लेना है। अच्छा आउटलाइन जो है हमें इस वाले का लेना है, जो पहला शेप हमने खींचा है इसका आउटलाइन लेना है। इसका आउटलाइन थोड़ा सा मोटा लेंगे हम, यहाँ पे मोटा कर लिया, और आउटलाइन का कलर देंगे ये डार्क रेड, ये हमने दे दिया। या अगर आप चाहे तो कोई और भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला है तो ये भी ले सकते हैं आप चाहे तो, यहाँ पे ग्रीन भी है तो मैं यहाँ पे यही वाला रहने देता हूँ, या चाहूँ तो ब्लैक ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ये ब्लैक कर देता हूँ हल्का, तो ये ठीक लगेगा ब्लैक। तो कलर यहाँ पर थोड़ा आपको मैचिंग करना पड़ता है कि कौन सा कलर किस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो उसके हिसाब से लेना होता है आपको। ये यहाँ पे सेट कर दिया मैंने। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है फ्री टेक्निकल ज्ञान सीखे, और ऊपर यहाँ पे वेबसाइट लिखना है। तो वेबसाइट लिखने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पे लिखेंगे www.subjectgo.com, और उसके बाद इसे सेलेक्ट कर लेंगे, होम में जाएंगे, इसे थोड़ा सा साइज बढ़ा लेंगे, और उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को उठा के यहाँ पे लाके रखेंगे। और उसके बाद ये पीछे वाइट आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में सेव फिल में जाएंगे, और यहाँ पे करेंगे नो फिल, यानी कि वाइट कलर हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइन भी हटा देंगे। अच्छा इसे जो है थोड़ा कम कर देंगे आउटलाइन को यहाँ तक। उसके बाद अब इसे कीबोर्ड के एरो बटन के मदद से कहीं पर भी सेट कर सकते हैं आप।
और इसका कलर जो है वो वाइट है, तो यहाँ पे जाके वाइट दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा और साइज़ बढ़ा देते हैं देखिए इस तरह से, और यहाँ तक खींच देते हैं ताकि ये पूरा दिखे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे वेबसाइट दिखने लगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है हमें फ्री टेक्निकल ज्ञान सीखे, उसके लिए भी जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्री टेक्निकल ज्ञान सीखे। तो ये यहाँ पे मैं फ्री टेक्निकल ज्ञान जो है वो हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे FREE फ्री उसके बाद इसे सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए से और होम में जाके साइज बढ़ाना है, इसका साइज बढ़ाना है, बोल्ड करना है, इसका कलर जो है वो इस तरह का ब्लू है तो इसे दे देना है। उसके बाद इस पर क्लिक करके इसका आउटलाइन जो है वो बंद करना है और सेव फिल भी बंद कर देना है। एक मिनट, आउटलाइन और सेव फिल मैंने दूसरे का कर दिया, इसका करना है यहाँ पे आउटलाइन और सेव फिल, ये बंद कर दिया मैंने। इसमें हमें ना इसमें कोई फिल करना है और ना ही आउटलाइन करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्री टेक्निकल ज्ञान सीखे। अब बीच में यहाँ पे सब्जेक्ट गो का लोगो है, तो चलिए लोगो ले आता हूँ मैं, इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे मैंने कंप्यूटर में इसमें रखा है डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव में मैं लोगो जो है वो यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये मैंने लोगो इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद तुरंत यहाँ पे जाना है टेक्स्ट रैपिंग में, फॉर्मेट मेन्यू में जाके टेक्स्ट रैपिंग में और यहाँ पे करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद शिफ्ट बटन दबा के रखना है अपने कीबोर्ड में और इसको इस तरह से छोटा करना है, या बिना शिफ्ट बटन दबाए भी माउस की मदद से आप जो है इसे छोटा कर सकते हैं इस तरह से सिर्फ, लेकिन कोने से पकड़ के करना है, बीच से कहीं से नहीं, ताकि लोगो जो है जैसा साइज में बना है लंबाई और चौड़ाई वैसा ही उसमें रहे। ये मैंने यहाँ पे लोगो लगा दिया बीच में। उसके बाद यहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे साइड में कुछ भी नहीं लिखूँगा, ऐसे ही छोड़ दूँगा, नीचे बस एक जो है ये लिख देता हूँ सब्जेक्ट गो। तो यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक करके यहाँ पे जाऊँगा और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे लिखेंगे हम, इसे हमने लगा दिया और इसका कलर लेंगे डार्क रेड और नो आउटलाइन। लोगों को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब इस पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट गो, तो उसे लिखने के लिए क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इसे मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट में, शेप में जाऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पे नीचे इस पे खींचना है और उसके बाद इसमें पेस्ट कर लेना है और उसके बाद इसका कलर देना है यहाँ से ब्लैक और इसे खींचना है। साइज़ इसका थोड़ा कम करना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमने साइज ले रखा है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे बंद कर देना है इसे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वाइट कलर चाहिए था पर यहाँ पे हमने ब्लैक लिया है तो ये इस तरह से आ रहा है। चलिए इसका कलर चेंज करते हैं, हम कर देते हैं इसे येलो, येलो में ये ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट हो गया, देखिए इस तरह से लोगो बन गया। अब देखिए यहाँ पे लोगो भी हमने लगा दिया और ये भी पूरा टेक्स्ट लिख दिया, ये बैनर यहाँ पे तैयार हो गया। अब दो बैनर मैंने आपको आज सिखा दिए हैं एमएस वर्ड में, देखिए एक तो ऊपर वाला ये लंबे में बनाया है मैंने, ये यहाँ पे मैंने स्क्वायर में बनाया है, उसके बाद रेक्टेंगल में जो लंबे बैनर होते हैं वो मैं आपको जो है आगे जो वीडियो आएगा उसमें सिखाऊंगा। अब इन दोनों बैनर को मैं बताता हूँ कि कैसे आपको अलग करना है, यानी कि अगर आप किसी दूसरे फाइल में लेके जाना चाहेंगे तो कैसे लेके जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे लेके जाऊँगा मैं, ये उसका नाम है प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन। तो प्रिंट स्क्रीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से क्या फ़ायदा होगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर राइट और इसे कर देता हूँ मिनिमाइज रिबन। उसके बाद ये पूरा स्क्रीन पर इस तरह से दिखेगा, उसके बाद अपने कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन बटन दबाना है तो ये आ जाएगा इस तरह से सेलेक्ट करने के लिए। तो इतना मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ये सेव बटन है, इस पर क्लिक करके इसे जो है डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लूँगा। यहाँ पे डेस्कटॉप मैंने चुना, उसके बाद यहाँ पे जाके मैं इसे सेव कर दूँगा, देखिए ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया।
उसी तरह से नीचे वाला जो बैनर है इसे भी सेव कर लेते हैं। इसके लिए भी प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे और उसके बाद इस पर क्लिक करके इस तरह से और यहाँ पे जाके सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है सेव कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सेव करने का पहला तरीका बताया। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि इस बैनर को आप बाहर कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है अलग से, और अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो एक तरीका और है इसे जो है बाहर निकालने का बैनर का। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में यहाँ पर जाना है और टाइप करना है, यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है स्निपिंग टूल, या देखिए यहाँ पर ये कैंची की तरह आपके कंप्यूटर में बना होता है स्निपिंग टूल का। ये आपको मिलता कहाँ पे स्निपिंग टूल, जब आप ऑल प्रोग्राम में जाते हैं उसके बाद यहाँ पे एसेसरीज में जाइए, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आ गया स्निपिंग टूल, इसे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। उसके बाद जिस भी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपके पूरे स्क्रीन का ऐसे करके जो है चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव बटन आ जाता है अपने आप सेव करने के लिए। तो इस तरह से आप जो है सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो बैनर यहाँ पे हमने बनाया है इसे हम कैसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे और ये स्निपिंग टूल यहाँ पे मिल गया मुझे, मैं इसे ओपन करूँगा और ये देखिए इस तरह से आ जाएगा, स्क्रीन जो है इस तरह से धुंधला हो जाता है आपके सामने। तो यहाँ पर क्लिक करके और इतना जितना एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उतना एरिया आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद माउस का बटन छोड़ देना है। तो अपने आप आपके सामने ये स्निपिंग टूल का एक विंडो जो है ओपन होके आता है और इसमें आपको ऑप्शन मिलता है सेव करने का। तो यहाँ पे सेव कीजिए। सेव करने के बाद ये पूछेगा कि आपको अपने कंप्यूटर में ये स्क्रीनशॉट कहाँ पे सेव करना है। तो मैं ले लेता हूँ कि मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चर नाम आ गया और ये PNG फाइल बन गया, ये देखिए यहाँ पर PNG। उसके बाद कर देते हैं सेव, तो देखिए सेव हो गया इस तरह से। उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर से यहाँ पर नीचे चलते हैं और फिर स्निपिंग टूल यहाँ पर ओपन है। अब फिर दूसरा स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पे देखिए न्यू बटन आ गया है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू पे, तो दूसरा स्क्रीनशॉट हम इसका ले लेते हैं। ये हमने ले लिया और इसे भी फिर यहाँ सेव बटन पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे इसको, यस कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से स्क्रीनशॉट हमने ले लिया और सेव कर लिया। उसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं और ये जो फाइल जिस फाइल में हमने ये तैयार किया है इस फाइल को भी हम सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, यहाँ सेव बटन पे क्लिक करके और अपने कंप्यूटर में इस फाइल को सेव कर लेते हैं। इसका हम दे देते हैं बैनर कि इसमें हमारा जो है बैनर बना हुआ है और करते हैं सेव। तो ये सेव हो गया। अब जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट अभी यहाँ पे लिए हैं बैनर का, वो स्क्रीनशॉट मैं आपको डेस्कटॉप पर दिखाता हूँ। चलिए तो देखिए डेस्कटॉप पर मैं आ गया। अब देखिए यहाँ पर बैनर का स्क्रीनशॉट देखिए इस तरह से आ गया, ये बैनर का स्क्रीनशॉट है हमने अभी लिया था स्निपिंग टूल से, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इस तरह से। और ये वाला बैनर यहाँ पे देखिए ये है इस तरह से, तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे बैनर आ गया। अब इसे ओपन करने के बाद प्रिंट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर प्रिंट करना चाहें तो, या अगर आप कहीं पर इसको ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर ब्लॉग पर कहीं पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आज हमने एमएस वर्ड में सीखा कि पोस्टर या बैनर कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो subjectgo.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे और भी बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।